हेलो दोस्तों, मेरे किचन वेल प्लेट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे घर की मलाई से शुद्ध देसी घी और पनीर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे मलाई। ये करीब 10 दिन की मलाई है ये, और इसको हम फ्रिजर से निकालकर 4-5 घंटे के लिए बाहर रख देंगे। जब ये नॉर्मल में आ जाएगी फिर इसको हम मथाने से फेंटना शुरू करेंगे। मथानी अगर नहीं है आपके पास तो आप चम्मच से भी इसको फेंट सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा फेंटने से ही इसमें से मक्खन अलग होना शुरू हो गया है। अब मलाई को हमेशा फ्रिजर में रखिए ताकि मलाई खराब ना होने पाए। इसमें हम थोड़ा सा आइस क्यूब डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे। देखिए इतना, इस तरह से, और फिर इसको हल्का सा फेटेंगे। ये देखिए, इससे मक्खन निकलना शुरू हो गया है। अगर गर्मी है तो इसमें आप चिल्ड पानी यूज़ करिए, और अगर ठंडी है तो उसमें आप हल्का सा गुनगुना पानी डालिए, तब मक्खन इससे अलग हो जाएगा। देखिए, मक्खन हमने कढ़ाई में निकाल लिया है। इसको हम एक बार और साफ पानी से धो लेंगे। और इसको इसी पानी में ही हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये मक्खन हमने निकाल लिया है। अब इसको हम गैस पर चढ़ाएंगे। ये देखिए, इस मक्खन को गैस पर चढ़ाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए ऐसा हो गया है। इसको ये साइड से आप लोग ऐसे करके निकालते जाइए, और नीचे से थोड़ा खोज कर चलाइए ताकि ये लगे ना। अगर लग जाएगा तो इसमें फिर जलने की स्मेल आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह से चलाते हुए ये देखिए मक्खन से घी अलग होना शुरू हो गया है। ये देखिए, देखिए देखिए, इसको 20 मिनट हो गया पकते पकते। और ये देखिए, अभी इसको ये 5 मिनट मुश्किल से लगेगा पकने में ही, और घी बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया घी, देखिए देखता शुद्ध घी घर का बना हुआ। ये देखिए, इसको हम थोड़ा और पका लेंगे। ये देखिए, घी बनकर तैयार हो चुका है, और बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। देखिए, घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे, और थोड़ा ठंडा होने पर इसको हम छान लेंगे। ये देखिए, ये वही दूध है जो हमने मक्खन को धोकर निकाला था। इसका भी हम पनीर बनाएंगे। इसके लिए हम गैस चलाएंगे और इसको गर्म कर लेंगे हल्का सा। गैस ऑफ कर दिए मैंने, और ये देखिए दूध गर्म हो चुका है। इसको हम विनेगर से दूध को फाड़ेंगे। ये देखिए, विनेगर है ये आधा कप, और इसमें आधा कप पानी मिला हुआ है। अब इसको हम दूध को फाड़ना शुरू करते हैं। देखिए, दूध फटना शुरू हो गया है। ये देखिए, है ना बढ़िया ट्रिक पनीर निकालने की घर में। ये देखिए, ये फट गया है, पनीर पूरा अलग हो चुका है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए, घी ठंडा हो चुका है। अब इसको हम छान लेते हैं। ये देखिए, घी सारा निकल चुका है। ये देखिए,
ये देखिए कितना बढ़िया घी बनके तैयार हुआ है। अब ये देखिए, अब इस पनीर को हम छान लेंगे इसमें रख करके। इसको अच्छे से छान लें और इस पानी को फेंके ना, ये पानी चावल बनाने में या दाल बनाने में यूज़ कर सकते हैं इसको आप, आटा मारने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसको हम इस तरह छान लेंगे पतले कपड़े से और इसको आधे घंटे के लिए किसी चिकने जगह पर दबा के रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। ये देखिए, ये इसको पनीर को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए आई होप इस तरह से मलाई से घी व पनीर बनाकर मैंने बताया है आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप भी अपने घर पर शुद्ध घी और पनीर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।